शहरघाट थाना क्षेत्र के पिहबारा गांव में बिजली के करंट में झुलस रही बहू को बचाने गए ससुर चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पिहबारा निवासी 52 वर्षीय नागेंद्र शाह के रूप में बताए गए हैं, जबकि घायल 19 वर्षीय बहू अंजनी कुमारी का इलाज शहरघाट के निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दरवाजे पर पोल से मीटर में आया बिजली के तार के चपेट में घायल महिला आ गई, जिस पर महिला को बचाने गए ससुर चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया, जिससे मौके पर ही वृद्ध ससुर की मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आनंद फानंद में घायल महिला को शहरघाट में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल महिला की शादी 4 माह पहले ही हुआ था, जिसका मायका नवटोली है। घटना की सूचना मिलते ही शहरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। उधर मुखिया प्रतिनिधि अनिल साह व पंचायत समिति सदस्य दीपक सिंह ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग किया है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है, जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर खबर की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर पिहबारा गांव पहुंचकर पीड़ित परिजन से मिलकर सांत्वना दिया, घटना की पूरी जानकारी लिए, जहां विधायक ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा घटना काफी दुखद है, सभी को बिजली जैसे चीज से सतर्क रहने की आवश्यकता है, पीड़ित परिवार को सरकारी स्तर पर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर विधायक प्रतिनिधि राम इकबाल उर्फ कारी ठाकुर, रोशन नायक, सूरज महतो समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बैठा हुआ था, ऊपर से तार टूट के गिर गया है, बहू गई है छुड़ाने, उसको भी करंट लगा है, तो बहू को झटक दिया, हाथ से दफन कर दिया, आगे कर दिया। अब जो मृतक है वो मर गया। पहले किसको लगा था? पहले उसी को लगा था, मृतक को। अच्छा, मृतक को। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम नागेंद्र शाह, नागेंद्र शाह। और वो महिला जो है उसकी कौन लगेगी? वो तो घायल है अभी। हाँ, घायल है, इलाज चल रहा है। मतलब हालत उसकी कैसी है? महिला की जो हालत है वो कैसी है? कैसे कहा, हम लोग तो यही हैं, स्थिति जनक क्या बतावे। क्या बजे हुआ था ये घटना? लगभग 9 बजे। 9 बजे लगभग हुआ है।